इस साल लोकसभा चुनाव से पहले कई फिल्मी सितारों ने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया है। अरुण गोविल, कंगना रनौत के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा ने एक बार फिर से पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली है और इन दिनों बड़े जोरों शोरों से पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो चुनावी कैंपेन के दौरान अपने एक हिट सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा इन दिनों महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना का स्टार प्रचारक होने के नाते वो जगह जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वहीं गोविंदा के हालिया चुनावी कैंपेन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने सुपरहिट सॉन्ग आपके आ जाने से पर कमर हिलाते हुए नजर आए। गोविंदा का वही पुराना अंदाज देख वहां मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं और उनके साथ ही मंच पर झूमने लगते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गोविंदा के डांस के लिए बाकी शिवसेना नेता मंच की तरफ खड़े हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के दौरान तालियां बजाकर एक्टर को चीयर कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर गोविंदा के डांस परफॉर्मेंस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि उनका डांस लाइव देखकर वहां मौजूद नेता और जनता काफी ज्यादा क्रेजी हो गई है। बैकग्राउंड में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट और हूटिंग भी सुनाई दे रही है। इस वीडियो को हीरो नंबर वन फेम एक्टर के एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है जो अब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब जैसे ही ये वीडियो शेयर हुआ लोग भी इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। संतोष फॉरएवर नाम के यूजर ने लिखा, अच्छे बुरे दिन साथ ही आते रहेंगे, कभी हंसते कभी रुलाते रहेंगे। वहीं एक और अरविंद नाम के यूजर का कहना था, हीरो नंबर वन। प्रतिश सालवे ने लिखा, रियल और फेक, आजकल इतना डुप्लीकेट देखकर बिलीव नहीं होता कौन रियल है और कौन फेक। वहीं एक और ने लिखा, गोविंदा सर यू आर टू गुड। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पार्टनर फेम एक्टर राजनीति के पिच पर उतरे हों। भले ही इस बार वो शिवसेना पार्टी से बतौर चुनाव प्रचारक लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सेवाएं दे रहे हों, लेकिन 2004 में वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।